ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो इलीगल कनेक्शन हैं वो कनाइवन से ही होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पानी जो है वो लीगल तरीके से दिया जाएगा, इलीगल तरीके से नहीं दिया जाएगा। और जैसे मैं बताऊं आपको कि हमारे कोई 12 लाख रिटेल कंज्यूमर्स हैं, उन तक हमारा बिल प्रॉपर पहुंचता नहीं है, तो तकरीबन 80% लोग जो हैं वो बिल देते हैं, बाकी लोग बिल नहीं दे पाते। अब पानी चोरी के ऊपर आप क्या कहते हैं कि इसमें ये भी कहते हैं लोग कि भाई वाटर बोर्ड का अमला खुद मुलव्वज़ होता है पानी चोरी में, ऐसे कोई आपने आइडेंटिफाई किए लोग, उनके खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ की हैं आपने अपने महकमे के लोगों को? देखिए इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, एक तो ये कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो इलीगल कनेक्शन हैं वो कनाइवन से ही होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उसके अलावा उनके पास वो स्पेशल इक्विपमेंट नहीं है जिससे है तो उसको सुराख कर सकें और उससे वो पेपर ऑफ कर सकें। तो अब ये है कि जहाँ आप अथॉरिटी देते हैं वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो लिहाजा इन तमाम एक्सीएम के ऑफिसेज में ये बात बड़े तरीके से बता दी गई है कि जिन जगहों पर ये निकले तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब हमें दो चीज़ें इस वक्त करनी है, एक तो ये कि जहाँ पानी लॉस हो रहा है थ्रू यानी लीकेजेस के थ्रू, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके अगेंस्ट तो जाहिर है हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर ले करने के लिए टाइम भी रिक्वायर्ड है और रकम भी रिक्वायर्ड है। रकम की तो अरेंजमेंट हो गई है और हम उस पर जा भी रहे हैं, लेकिन अब जाहिर है एक वक्त लगेगा उसको ले करने में। और इंशाल्लाह ताला अभी हमारा जैसे मैंने बताया कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम लूपिंग सिस्टम डाल रहे हैं, लोगों ने हमारे WTM की लाइंस को या बल्क की लाइंस को डायरेक्ट ब्रेक किया हुआ है विच इज़ नॉट अलाउड, तो अब हम उसके लिए लूपिंग की अरेंजमेंट कर रहे हैं, और जैसे ही लूपिंग डलना शुरू हो जाएगी वो रेगुलेट हो जाएंगे और रेगुलेट होने के बाद ये चीज़ें फिक्स होंगी। देखिए कभी भी जो पानी का जिस तरह का हमारे यहाँ मसला कराची में है, ये इतनी जल्दी इस तरह हल नहीं हो सकता कि अगर हम ये कहें कि इसका कोई क्विक फिक्स है। क्विक फिक्स जो है वो ये है कि अगर किसी जगह पे अगर किसी ने कोई कनेक्शन लिया हुआ है तो हम ये भी समझते हैं कि उसको पानी चाहिए, लेकिन पानी जो है वो लीगल तरीके से दिया जाएगा, इलीगल तरीके से नहीं दिया जाएगा। और ये इसके लिए इंशाल्लाह ताला हम आपको यानी ये काम होता हुआ ग्राउंड पे नजर भी आएगा, और जो कि हम अभी इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएंगे काम। आपकी रिकवरी है ना उसके हवाले से बता दें कितनी होती है बिलिंग से, और इसका निज़ाम आपका अपना है या आपने कोई प्राइवेटाइज किया हुआ है, और उसके अलावा जो पानी चोरी का जो सिस्टम है उसके ऊपर बता देंगे आप क्या कर रहे हैं और क्या उस पर आपने कार्रवाई करनी है? लेकिन जो हमारी रिकवरी है वाटर बोर्ड की ये तकरीबन कोई 1.1 बिलियन पर मंथ के हिसाब से है, और इसमें जो तकरीबन 70% हमारे बल्क मीटर से पानी जो है बल्क कंज्यूमर से जो है रिकवरी होती है, और 30% हमारी रिटेलर्स या डोमेस्टिक कंज्यूमर से होती है। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स में भी रिकवरी के बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है, सिमिलरली जो हमारे जो बल्क कंज्यूमर्स हैं उनमें भी बहुत गुंजाइश है। इस वक्त तमाम पिक्चर हमारे सामने है, उसमें गैप्स आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, अब उन गैप्स को प्लग करने के लिए कुछ हार्डवेयर की ज़रूरत है और कुछ हमें उन कंज्यूमर तक पहुंचने की ज़रूरत है। जैसे मैं बताऊं आपको कि हमारे कोई 12 लाख रिटेल कंज्यूमर्स हैं, उन तक हमारा बिल प्रॉपर पहुंचता नहीं है, रिकवरी तो फिर बाद की बात है, क्योंकि वो तकरीबन उसमें 33% लोग जो हैं वो बिल देते हैं, बाकी लोग बिल नहीं दे पाते। अब उसमें हमने वो टीलिंग आर्म जो है वो बनाने जा रहे हैं, और वाटर बोर्ड को इस तरह मजबूत इदारा बनाने के तहत ये भी कोशिश की जा रही है कि जो हमारे बल्क कंज्यूमर्स हैं उनको 100% मीटर्स पे लाया जाए, उनके मीटर्स काम कर रहे हों, तो उसके लिए बाकायदा एक फ़ंड भी जनरेट कर दिया गया है, और उसके लिए इनको जो उनकी लिस्टें तैयार की जा रही हैं कि कौन कौन से बल्क कंज्यूमर्स हैं जो कि ये पैसा नहीं दे रहे या एवरेज पे पैसा दे रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्द हम उनको प्रॉपर बिलिंग कर सकेंगे और उसके अगेंस्ट पैसे जो हैं वो रिकवर होंगे। ये बिलिंग आप कोई इसको प्राइवेटाइज करेंगे सिस्टम को कि बिल भेजने वाले सिस्टम को? देखिए इस वक्त जो है वो बिल जनरेशन जो है वो एक प्राइवेट कंपनी कर रही है, लेकिन वो पिछले कुछ 6-8 साल से कर रही है। उनसे जो मेरा पहला इजलास हुआ था उसमें बात भी यही हुई थी कि भाई आपने क्या बेहतरी लाए हैं, मिसाल के तौर पर या तो अगर आज से 6-8 साल पहले भी 12 लाख कंज्यूमर थे वही लोग थे, तो फिर तो है कि आपको वो विजन नहीं है कि आप ब्रॉड कैसे करें, तो उनको वो विजन दे दिया गया है। इस वक्त हम पायलट अंदाज में एक UC हमने उठाई है जिसमें 5,000 घरों के हमने बैठ के गैप्स आइडेंटिफाई किए कि बाकी यूटिलिटीज तो अपनी जगह दे रही हैं, हम क्यों लैग कर रहे हैं, तो वो हमने जगहें आइडेंटिफाई की। हम सर्वेज में बहुत लैग कर रहे हैं, हमारी हैयत बदल चुकी है लोगों की और वहाँ वो रिपोर्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि हमारे इंस्पेक्टर्स सब इंस्पेक्टर्स जाके वहाँ बकायदा रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भी मीटिंग हमने अलहदा की है, और मैं हर 15 दिन के बाद रिकवरी की मीटिंग करूँगा और मैं इनसे फीडबैक ले रहा हूँ। पहले भी लीग की मीटिंग की है और अब अभी 15 नवंबर को दोबारा मीटिंग करूँगा।